यहाँ मैं हुई हूँ बरसों बे के बर्तन धो के फ्री, और यहाँ बन रही है मेरी टी, और सामने है मेरे प्रमोद जी। देख रहे हो आप? दिख रहा है? मैं किचन से हूँ ना, तो काफी दूर है। अब काफी दूर का पता नहीं जूम हो पाएगा नहीं। ये देखो, यहाँ पे सुबह नहाने के बाद मेरी हो गई है आरती। मैंने की है माता रानी की पूजा, और बोलो जगदम्बे माई की जय। आएगी यही बोला था, तो आप लोग बताना कि मेरे जो आपके वीडियोस हैं कैसे लगते हैं। और आपको एक दिन IIT खड़गपुर का भी दिखाऊंगी, व्यू दिखाऊंगी, टूर कराऊंगी। लेकिन चैनल को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बिना उसके फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस हैं वो भी अच्छे लगते हैं। इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ आने वाली है मेरी फ्रेंड, मैंने जो बोला था। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, फोड़ दिया करो, दोनों फोड़ दिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक बहुत अच्छा है अखरोट, और ये देखो, ये बताओ गाइज ये क्या है। ये है अखरोट, और ये जो है ये बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है, और हम लोग रोज सुबह दो दो खाते हैं। ठीक है, मैं आपको हाथ में बोल के दिखाती हूँ। गाइस हमने तोड़ दिया, थोड़ा सा टूटा, ज्यादा नहीं टूटा, और दबा टूट गया ऐसे ही। यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ओ तोड़ दिया मैंने, ये देखो मैंने तोड़ दिया। ये मतलब आई एम अ पावरफुल वुमेन। मैंने पहली बार तोड़ा, मैं पता नहीं क्यों इतना मजबूत नहीं है ये वाला। मैं बहुत बुरा हूँ, देख रहे हो आप मेरे बालों में कितनी ताकत है। ये गिरा दी, 2 रुपए गिर गए। बहुत महंगा भी आता है ना, 300 साढ़े 300 का पैकेट आया था, उसमें 30 थे, और रोज दो मैं खाती हूँ, दो ये खाते हैं। हाँ चल बढ़िया, इतने पैसे कहाँ से आते हैं। अच्छा ये आपको एक बहुत अच्छी लाइन सुनाएंगे, सुनाओ वो वाली। तो ये देखो लाइन ऐसे है कि बीवी रहेगी व्यस्त तो आप रहोगे मस्त, और बीवी रहेगी खाली तो आपकी रहेगी बदहाली। तो एंजॉय करो, बीवी बिजी रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। सही हाँ, ज़्यादा नियम कानून बनाओगे झंड हो जाओगे। तो इंजॉय करो, बीवी को बिजी रखो, बीवी नहीं कोई भी इंसान हो, व्यस्त रहना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, खाली रहना कष्टकारी होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बस यही लाइन थी, माहौल ऐसे बना रही थी जैसे कोई परमाणु संधि वगैरह बताने वाला है। ठीक है गाइस, बात करो देवी जी। तो बस मैं अभी आई हूँ यहाँ फ्रेंड से मिलने, वो आने वाली है, और जब वो आ जाएगी तो मैं उससे मिल के जाऊँगी। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मेरी कौन फ्रेंड थी। ठीक है गाइस,
बाय। यहाँ पे हमने लिया है इडली और ये बड़ा, ये इडली, ये वाइट चटनी और ये चटनी, और इन्होंने भी लिया दो इडली दो बड़ा और ये, और हम दोनों अभी पहले करेंगे पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। वीडियो नहीं बना सकते और कहीं पे आप अपलोड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रूल भी है और ये अगेंस्ट है एक तरीके से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही है। इसलिए कभी आप ब्लॉगिंग करते हो या किसी ऐसे एरिया में जाते हो जहां आपको ब्लॉगिंग करनी है या वो एरिया उनका है, तो आपको पता है गाइस उनसे एक बार परमिशन जरूर लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा क्या मैं आपको ब्लॉगिंग में ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं आई हूँ आइसक्रीम लेने और ये वाला सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, अमूल की जो चॉकोबार होती है ना, ये सस्ती है और अच्छी है। मैं नहीं दूंगी अपने में से, अपना दूसरा ले लो। और ये अमूल की टॉफी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे पता है बहुत सारी आइसक्रीम रखी है, ये सबसे अच्छी है क्योंकि ये अमूल की आती है 20 रुपए की, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और अमूल की ये वाली भी बहुत अच्छी है जो इलायची वाली होती है, ये सारी है। और ये डेरी मिल्क और मैंने ली है ये अमूल की चॉकोबार। तो अब आ गए हैं अपने रूम पे और चलो दिखाती हूँ। दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ लेकिन सुकून आपको अपने घर के अंदर ही मिलता है। और ये देखो रूम पे धुआं ही धुआं हो गया। यहाँ मैं माता रानी की पूजा करके गई थी, मैंने जलाई थी धूप बत्ती जिसके कारण मेरे पूरे कमरे में धुआं हो गया भाई, है ना बुटकू। कुछ बोलो, वो आई एक अच्छी शायरी बोलो ना, बोलो। ये मत बजाओ, एक आध नाग नाग ना ही जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, आज तो पता है यार बहुत ज्यादा धूप निकली है, बहुत ज्यादा। ये देखो बहुत ज्यादा धूप निकली है। और यार लेकिन एक बात तो है, पता बंगाल में क्या है कि माता रानी की पूजा ये 9 दिन जो नवरात्रि के होते हैं ना गाइस, बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप सुबह जाओ शाम को जाओ कभी भी जाओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इन महाशय जी को देखो, कोई और दूसरा काम नहीं है भैया है, कभी बेड के ऊपर बैठोगे कभी बेड के नीचे बैठोगे। देखो तो ये कैसे बैठा है, जैसे देख ये जिंदगी अच्छी है, दुनिया से ना मोह ना माया, मस्त बैठे हैं अपना। क्यों ए बुटकी, क्यों भाई ए देख रहे हो आप लोग कैसे अंधेरे में छुप के बैठा था बेड के नीचे। इसको ये लगता है कि हम इसको देख नहीं पाएंगे या मैं इसको नहीं देख पाऊंगी। ये देख रहे हो आप, ये देखो सनसेट का जो टाइम है, कितना अच्छा व्यू है ना। ये देख रहे हो आप, सूरज देवता जो दिख रहे हैं। वाव यार, देखो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। वाव, ये सूरज देवता जी, कितना मस्त व्यू लग रहा है ना सन का।